विशाल क्रोइसेंट या फिर नन्हे वॉफल्स, एक बड़ा लाटे या एक छोटी आइसक्रीम बार। देखिए कुछ असाधारण मीठी चीजों के आइडियाज और जो अच्छा लगे उसे चुने। डॉली और जेसिका लोगों को स्केटिंग करते देखने के लिए पार्क में आए हैं। अरे वो कौन है? ये तो हमारा स्टीव है, हमने उसे पहचाना ही नहीं। वो तो बहुत शानदार स्केटर है। ये सब इसलिए क्योंकि वो साधारण फैंटा नहीं पीता, बल्कि विशाल कैन से सुपर ब्लू फैंटा पीता है। गर्म चाकू से प्रोटीन जार की बोतल के ऊपरी हिस्से को काट लें। इस कट को हॉट ग्लू गन की नोजल से सपाट करें। जार में नीली फैंटा डालें। फॉइल की कुछ परतों को जोड़ें ताकि वो जार के ढक्कन पर पूरी आ जाए। एक ओवल छेद काटें। फॉइल को जार पर लगाएं। फॉइल से एक पुल टैप को बनाएं और होल के ऊपर डबल साइडेड टेप से लगा दें। जार पर एक विशाल लेबल चिपकाएं। एक लंबे स्ट्रॉ को डालें। क्या आप स्टीव की तरह बहादुर, तेज और स्किल्ड बनना चाहते हैं? तो एक बड़े कैन से नीली फैंटा पीजिए। यह आपको एक साल तक की ऊर्जा देगा। आप हमेशा ही केंद्रित रहेंगे, भले आप जो मर्जी करें। हुर्रे! जेसिका को अपने दोस्तों से छुटकारा मिला। अब ये शांति से अपनी चॉकलेट खा सकती है। डॉली ने उसे ढूंढ लिया। क्या, एक चॉकलेट बार? डॉली अपनी दोस्त की रोज की कार्ब लिमिट का ध्यान रख रही है। उसने बड़ी चॉकलेट बार को लिया और जेसिका को छोटी चॉकलेट बार दे दी। नट फिलिंग वाले वेफर की एक पट्टी को काट लें। एक परत को हटाएं और फालतू फिलिंग को निकाल लें। कुछ वेनिला सफल को काटें। पार्चमेंट पेपर पर पिघली हुई मिल्क चॉकलेट लगाएं। सफल वाली वेफर स्टिक को इस पर रखें। बार को चॉकलेट से ढकें। टूथपिक से बाकी जार्स पर बना पैटर्न बनाएं। इसे सख्त होने दें। पैकेज को जोड़ें। नन्ही बार को फॉइल में लपेटकर पैकेज में डालें। जेसिका अपनी नन्ही बार को परख रही है। स्टीव ने अपनी गर्दन को टूटने से बचाते हुए बार को छीन लिया। यही चीजें हैं जो हम मीठी जिंदगी के लिए करते हैं। स्टीव ने जल्दी से पैकेज को फाड़ा और जेसिका के पता लगने से पहले उसे खा लिया। ये नन्ही चॉकलेट बार तो साधारण चॉकलेट से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। उतनी देर डॉली अपनी साधारण बार के मजे उठा रही है। जेसिका ही है जिसे कुछ नहीं मिला। स्टीव और जेसिका अपनी हिस्ट्री टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। डॉली ने पूरी रात बैठकर टेस्ट बनाया और अब उसे नींद आ रही है। अचानक से वो सो गई। तभी स्टीव ने विशाल लाटे को मंगवाया। एक फूड बकेट के हैंडल्स को निकाल लें। एक विशाल बेज रंग के कागज की पट्टियों को काटें ताकि वो बाल्टी के आकार की हो। लोगों को प्रिंट कर लें और टेम्पलेट बनाने के लिए इसे अंदर से काटें। इसे और पेपर क्लिप्स को बेज कागज पर लगा दें और हरे एक्रेलिक पेंट से रंगें। इसे ब्रश की मदद से सही करें। डबल साइडेड टेप से विशाल लेबल को बाल्टी पर लगाएं। ढक्कन में स्ट्रॉ के लिए होल काटें। एक पेपर कप के अंदरूनी ढक्कन को लगा दें। लाटे को होल के जरिए भरें। एक चौड़े स्ट्रॉ को लंबा बनाएं। वाह, ये कप बहुत बड़ा है। ये 10 लोगों के लिए तो काफी है। डॉली ने पूरा कप पी लिया और वो एक रनर की तरह भागने लगी। वो आग की तरह पूरे पार्क में भाग रही है। वो अपने कैनरी कोट के साथ यहाँ वहाँ कभी पेड़ों के बीच घूम रही है। अब लगता है कॉफी कुछ ज्यादा ही हो गई। डॉली अपनी आइसक्रीम के मजे उठा रही है। जेसिका को ठंड लग गई, इसलिए वो सिर्फ मीठे के शौकीन को देख रही है। डॉली के पास अपनी दोस्त के लिए खास सर्विंग है जो उसे और बीमार नहीं बनाएगी। कॉफी की डंडी का एक टुकड़ा काटें, आइसक्रीम का एक छोटा टुकड़ा लें और एक छोटी आइसक्रीम बार का आकार दें। डंडी को डालें, इसे फ्रीजर में रखें। मिल्क चॉकलेट को पिघलाएं। नन्ही आइसक्रीम को इसके अंदर डुबाएं और सख्त होने दें। इसे नन्हे पैकेज में डालें। डबल साइडेड टेप से पैकेज को जोड़ें और कोने को काट लें। ये नन्ही आइसक्रीम बार बहुत स्वादिष्ट है।
जेसिका अपनी नन्ही सी आइसक्रीम को खा रही है बिना अपने गले को और खराब करे, मगर ऐसा लगता है कि डॉली ने आइसक्रीम ज्यादा ही खा ली। वो अब बीमार हो गई है। चलो डॉली कहाँ है, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक बबल गम से शरारत करूँगी और उसे ऐसा दिखाऊंगी कि मेरे पास बहुत सारी बबल गम है। एक प्लास्टिक की फनल की नोजल को गर्म चाकू से काटें, फालतू हिस्से को उसी प्रकार हटाएं, फनल की बाहरी तरफ एक्रेलिक पेंट करें, कोने पर एक फॉइल के गोले को हॉट ग्लू से लगाएं, ग्लॉसी गत्ते के टुकड़े को फनल पर लगाएं, इसे कोने से हॉट ग्लू लगाकर जोड़ें और जोड़कर निचले हिस्से को बंद कर लें। फनल को एक गुलाबी क्ले से ढकें और एक ढक्कन का आकार दें। क्ले को हटा लें और कोनों को कैंची से एक जैसा बनाएं। एक सही आकार के बबल गम लेबल को ट्यूब पर चिपकाएं। और लो, डॉली आ गई। जेसिका ने अपनी ट्यूब को सीधा खोला और ऐसा दिखा रही है कि वो बबल गम को निकाल रही है। डॉली ने पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी बबल गम कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी दोस्त से बांटने को कहा। डॉली और बबल गम नहीं निकाल पा रही, भले ही वो कितनी भी कोशिश कर ले। इसमें और तो कुछ नहीं बल्कि हवा है। डॉली को कैंडीज बहुत पसंद है। चॉकलेट और बादाम उसकी पसंदीदा है। वो एक पूरा डिब्बा खा सकती है, मगर आज डॉली के पास एक मेहमान है और उसने अपनी दोस्त को दिया। उनकी चॉकलेट बहुत जल्दी खत्म हो गई। ये एक मीठे के शौकीन के लिए दुख भरा है। जेसिका एक असली जादूगर बन गई ताकि वो अपनी दोस्त को शांत कर सके। उसने आखिरी कैंडी को अपनी जेब में रखा और एक डिब्बा बाहर निकाला, पर ये तो बहुत छोटी है। बादामों को चूरे में बदले, इसमें थोड़ी मिल्क चॉकलेट डालें और इसे माइक्रोवेव में पिघलाएं। बादाम वाली चॉकलेट के मिश्रण को पार्चमेंट पेपर पर रखें। इसे चाकू से सपाट कर लें और सख्त होने दें। चॉकलेट को पट्टियों में काटें। एक प्रिंटेड नन्हे और सेलोफीन पेपर से पैकेज बनाएं। कैंडीज को रैपर में डालें। एक छोटे डिब्बे के टेम्पलेट को प्रिंट कर लें और जोड़ें। कैंडीज को इसके अंदर रखें। ये ट्रिक काम करी। आंसू बहुत जल्दी सूख गए। डॉली दोबारा हंस रही है। एक मीठे के शौकीन को और क्या चाहिए। एक बड़ा डिब्बा पसंदीदा कैंडीज का, अब वो कोई भी साइज का हो। जेसिका ने आम चॉकलेट को जेब से निकाला जब तक उसकी दोस्त नन्ही कैंडीज खोल रही है। लड़कियां एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बता रही हैं, मगर स्टीव को भी अपनी खबर उन्हें बतानी है। चलो चले, मगर लड़कियां कहीं जाना नहीं चाहती। स्टीव नाराज होकर चला गया। तुम जरूर पछताओगे, पर एक ही मिनट में वो आ गया एक खाने का अजूबा लेकर। विशाल क्रोइसेंट की खुशबू इतनी अच्छी है कि लड़कियां पछता रही हैं कि उन्होंने स्टीव की बात क्यों नहीं सुनी। पफ पेस्ट्री शीट्स को पतला बनाने के लिए रोल करें। एक बड़ा ट्रायंगल काटें, इसे न्यूटेला या चॉकलेट से ढकें। क्रोइसेंट को रोल करें, इसे पार्चमेंट पेपर पर रखें और 20 मिनट के लिए 430 डिग्री फारेनहाइट और 10 मिनट के लिए 320 डिग्री फारेनहाइट पर रखें। क्रोइसेंट को पिघली हुई जिप लॉक में भरी हुई चॉकलेट से सजाएं। पागल लड़कियों, क्या तुम्हें समझ आया कि तुमने किसे ठुकराया है। अब तुम इसे सिर्फ देखो, मगर लड़कियों को कुछ करना पड़ेगा। चलो अपने दोस्त को इसे पूरा खाने से बचाते हैं ताकि वो ज्यादा खाने की वजह से मर न जाए। मगर स्टीव इसे नहीं बांटना चाहता और लड़कियां जानती हैं कि कैसे उसे देखना है। स्टीव का दिल पिघल गया। ये विशाल क्रोइसेंट बहुत स्वादिष्ट है। स्टीव, अब तुम्हें भी इसे खाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। लड़कियों ने एक टॉय टी पार्टी का बंदोबस्त किया है। नन्हे कप्स और केतली, डॉली कहाँ गई? ओह, ये कितना क्यूट है। डॉली ने नन्हे वेफल्स को बेक करा। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। 3.5 ounce पीने वाले योगर्ट में आधा कप आटा डालें, एक अंडा डालें, आधा चम्मच चीनी और थोड़ा नमक, आधा चम्मच मक्खन भी डालें, थोड़ा बेकिंग पाउडर मिलाएं, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दें। वॉफल के सांचे पर वेजिटेबल ऑयल डालें और डो को इसमें डालें। इसे 10 मिनट के लिए 390 डिग्री फारेनहाइट पर बेक करें।
पिसी हुई चीनी को नन्हे वॉफल्स पर छिड़कें। आइसक्रीम का एक स्कूप डालें और इसे कैरमल टॉपिंग से सजाएं। कुछ अनार के बीज और पुदीने की पत्तियां डालें। ये नन्हे वॉफल्स बहुत नाजुक हैं। ये मुंह में जाकर पिघल जाएंगे और ये सब हमारी पार्टी के लिए बिल्कुल सही है। क्या आपको हमारे विशाल और नन्ही कैंडीज के आइडियाज पसंद आए? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि आप कौन सी कैंडी को चखना चाहेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि ऐसे अजीब मीठे आइडियाज आप टूम टूम चैनल से मिस ना कर दें।